सिंगरौली में दो महिलाओं के बीच हुए मामूली विवाद ने विकराल रूप धारण कर लिया। झगड़े में दोनों महिलाओं ने एक दूसरे को घायल कर दिया। इसके बाद एक महिला ने खुद को आग के हवाले कर मौत को गले लगा लिया। गढ़वा थाना के रामडी गांव की रहने वाली दो महिलाओं सीता देवी तिवारी, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त बताई जा रही है, व उनकी पड़ोसी महिला आशा कोरी के बीच किसी बात को लेकर मामूली विवाद हुआ और ये इतना बढ़ गया कि सीता देवी तिवारी ने आशा कोरी के पेट में भाले से वार कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गईं। वहीं दूसरी ओर महिला सीता देवी ने खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली, जिससे उनके घर में रखा सारा सामान जल गया और उनकी मौत हो गई। एक छोटी विवाद के से एक सीता तिवारी नाम की ने आशा देवी को जो है एक धारदार तीर जैसा प्यार से जो है उनके पेट में मार दिया। इसके बाद खुद जाकर के उनके घर में आग लगा के सुसाइड कर लिया। मामले की जांच चल रही है और आशा देवी जिनको लगा है उनको जो है हॉस्पिटल इलाज के लिए भेजा गया है और पैडन से अग्रिम इलाज के लिए इनको रिवा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।